यह है गाइस देहरादून का शौर्य स्थल। चलिए इसमें आपको वीर सैनिकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। यह है विजेंता टैंक, ये लिखा है विजेंता टैंक के बारे में। उत्तराखंड के अमर बलिदानों को नमन। ये देखिए गाइस कितने सारे नाम हैं उत्तराखंड के हमारे वीर जवानों के। उत्तराखंड के अमर बलिदानी बलिदानियों को नमन। भारत पाकिस्तान का युद्ध जिस 1947 से 49, ये हैं हमारे वीर सिपाही के नाम जिन्होंने बलिदान दिया। ये देखिए कितने सारे इन सब वीर बलिदानों को हमारा कोटि कोटि नमन। इस तरह से आप ये पूरे नाम देख सकते हैं कि पूरे हमारे देश के बलिदानों के हैं, वीर जवानों के नाम हैं जिन्होंने देश रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सब इन सिपाहियों के नाम हैं, वीर जवानों के नाम जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। ये देखिए इनके नाम की लिस्ट है जो ख़त्म होने में नहीं आ रही है। कितने ज़्यादा वीर जवानों के नाम हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं पूरे हमारे जवानों के नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये देखिए इस साइड भी पूरे नाम लिखे हैं हमारे वीर जवानों के। एक एक नाम हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, इतने ज़्यादा नाम हैं। और सामने ये देखिए बोर्ड पर इधर भी पूरे हमारे वीर जवानों के नाम लिखे हैं।
देखिए कहाँ तक नाम पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा नाम हैं, इसीलिए मैं फिर कहती हूँ हमारे देश के जवानों के लिए बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जय जवान जय किसान। ये है हमारे देश के वीर सैनिक। जय जवान जय किसान। इसीलिए हमें अपनी भारतीय सेना का सम्मान करना चाहिए, उनको बहुत बहुत आदर देना चाहिए। उन्हीं की वजह से हम आज सुरक्षित हैं अपने घरों पर। जय हिंद। अज्ञात सैनिक की यह प्रतिमा उत्तराखंड के वीर योद्धाओं के निस्वार्थ बलिदान की भावना को श्रद्धांजलि है। यह है उत्तराखंड का वीर भूमि स्थल जहां शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। ये देखिए याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला थॉट है ये। सामने देखिए वायुसेना का जहाज, वायुसेना का जेट विमान। जिम्मेदारी होगी किसी के मेंटेन करने की। यह है मिसाइल अटैक ऑन कराची। काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है, बहुत सुंदर है। यह हमारे देश के वीर जवान की प्रतिमा। जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इनको हमारा बारंबार सैल्यूट है। जय हिंद। ये भित्ति चित्र 1947, 1962, 1965 और 1974-71 में भारत के युद्धों के दौरान लड़ी गई भीषण लड़ाइयों को दर्शाते हैं, जिसमें भारतीय सेना ने दृढ़ता से शत्रुओं से लड़ा है। ये देखिए ये है भित्ति चित्र। तो ये था गाइस शौर्य स्थल के ऊपर हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।